सिरसा में जन आशीर्वाद यात्रा के समापन के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करीब 85 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये सभी परियोजनाएं सिरसा जिले में अलग अलग स्थानों पर शुरू होंगी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अम्बाला के लोगों को सौगात दी है। मंत्री अनिल विज ने अम्बाला में करीब 8 करोड़ की लागत से बनी सड़क का उद्घाटन किया। कैंट माजरा से घसीटपुर के बीच सड़क से लोगों को काफी राहत मिलेगी। मनोहर सरकार में मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने हिसार बीजेपी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश का पहला एयरपोर्ट शुरू करने पर सीएम मनोहर लाल का आभार जताया। हिसार में जीएसटी काउंसिल जुडिशियल स्थापित करने की बात कही। चंडीगढ़ जाते समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा का काफिला करनाल पहुंचा, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। दोनों का काफिला कुछ देर करनाल में रुकने के बाद चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गया। हरियाणा की कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने सोनीपत में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल के मीडिया सलाहकार राजीव जैन और सांसद रमेश कौशिक भी मौजूद रहे। इस मौके पर कविता जैन ने इनेलो सहित तमाम विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीएसपी और जेजेपी के बीच हुआ गठबंधन चुनाव से पहले ही टूट गया। बीएसपी से गठबंधन टूटने के बाद जेजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने बयान दिया है। अर्जुन सिंह ने कहा कि मायावती को आज तक किसी गठबंधन में इतना सम्मान नहीं मिला होगा जितना जेजेपी में मिला है। गुरुग्राम के सुरेंद्र यादव ने स्वीडन के शहर कालमार में ट्रायथलान प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर के आयरन मैन का खिताब हासिल कर भारत का नाम रोशन किया। भारत में आने के बाद सुरेंद्र का जोरदार स्वागत किया गया और उनके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें उन्होंने आयरन मैन की कुछ खास बातें बताई। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के झज्जर की आशा वर्करों ने नागरिक अस्पताल के बाहर और सड़कों पर धरना दिया। धरने पर बैठी आशा वर्कर्स ने कहा कि सरकार के साथ उनका मांगों को लेकर के समझौता हुआ था और आपसी सहमति बनी थी, लेकिन वादे के बाद भी सरकार ने समझौते को लागू नहीं किया। नगरपालिका चेयरमैन और पार्षद हाउस की बैठक बुलाने और पालिका सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर अब सड़क पर उतर आए हैं। पार्षदों ने शासन और प्रशासन के खिलाफ आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर पुलिस के अधिकारियों ने ऑटो चालकों के साथ बैठक की। बैठक में ऑटो चालकों को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाया गया। उन्हें नए ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी और सख्ती से पालन करने के दिशा निर्देश दिए गए।